नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि का मई 2021 का संपूर्ण राशिफल, कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का मई 2021 के जो राशिफल इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि का मई 2021 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रवि ग्रह से या फिर सूर्य से। सूर्य जो ग्रह है, यह ग्रह आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 15 तारीख के बाद यह आपके द्वितीय भाव में मतलब वृषभ राशि में भ्रमण करेगा। यह जो रवि है या फिर सूर्य है, यह आपका पंचमेश भी है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जैसे ही ये रवि ग्रह आपके द्वितीय भाव में आएगा तो आपके जो खर्चे हैं उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशि है खर्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, उसी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो मेष राशि के व्यक्ति रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो या फिर ऐसे किसी संस्था से जहाँ पर लक ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो ये जो संपूर्ण महीना है खास करके 15 तारीख के बाद का जो कालावधि है काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में, जो कि आपके राशि का स्वामी भी है। यह जो मंगल ग्रह है, यह मंगल ग्रह संपूर्ण महीना तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस महीने में मतलब मई 2021 में पूर्णतः एक्टिव दिखाई दोगे, जो कि आपके राशि का मूलभूत स्वभाव भी है। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो अगर आप हाथ में लेते हो तो वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार जो पेंडिंग काम है, जो वो नहीं हो रहे हैं, कई दिनों से आपके द्वारा वो पेंडिंग हो चुके हैं, तो वो आप अगर आप हाथ में लेते हो तो वो पूरे होते हुए नजर आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस महीने में आपकी ट्रैवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अब ये जो मंगल है चतुर्थ भाव से आपके षष्ठ भाव को देख रहा है, तो आपके सेहत के ऊपर थोड़ा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार सप्तम भाव से आपके भाग्य भाव को देख रहा है, तो जैसे कहा मैंने इस शुरुआत में कि आपके सफ़र वगैरह ज़्यादा हो सकती है, ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है। और अष्टम भाव से आपके दशम भाव को देखेगा, तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है या फिर आपकी बदली वगैरह भी हो सकती है। तो जो मंगल है वो आपको इस महीने में बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाने जा रहा है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है, यह बुध ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 27 तारीख को यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 30 तारीख को यह आपके तृतीय भाव में वक्री भी होने जा रहा है। अब यह जो बुध ग्रह है, यह आपका तृतीयेश भी है और षष्ठेश भी है, तो दो तीन बातें उसके ऊपर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके जो खर्चे होंगे उसके ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि आपने किसी को पैसे दिए तो वो वापस मिलने की संभावना काफ़ी कम बनती है, तो ये बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखें कि इस महीने में किसी भी प्रकार के किसी को लोन नहीं देना, पैसे नहीं देना, ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार यह जो बुध ग्रह है, जैसे ही आपके तृतीय भाव में आ जाएगा दिनांक 27 तारीख के बाद, तो सेहत के ऊपर ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है, यह गुरु ग्रह आपके 11वें भाव में भ्रमण कर रहा है और वह मार्गस्थ है, और यह गुरु ग्रह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी है, क्योंकि यह भाग्येश भी है और आपका व्ययेश भी है, तो कुछ अच्छे लाभ आपको इस महीने में मिल सकते हैं, काफ़ी अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार होंगे, खास करके आपके आयु से जो बड़े हैं, उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है, सलाह मिल सकती है। यह जो गुरु ग्रह है, यह गुरु ग्रह पंचम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहा है और नवम दृष्टि से यह आपके सप्तम भाव को देख रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। रिलेशनशिप के मामले में ये गुरु जो ग्रह है वो आपको इस महीने में
काफ़ी अच्छी मदद दे सकता है या फिर उसके काफ़ी अच्छे अनुभव आपको आ सकते हैं। अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो भी ये जो गुरु ग्रह है वो काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी जो हारमोनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है यह ग्रह आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 4 तारीख के बाद यह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 29 तारीख के बाद यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो दिनांक 5 तारीख से 28 तारीख तक मतलब महीने का काफ़ी जो बड़ा कालावधि है ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा। अब ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी भी है। अब ये जो गुरु ग्रह है ये आपका द्वितीय शुक्र जो ग्रह है ये आपका द्वितीयज भी है और सप्तमेश भी है। तो पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशंस आपको इस महीने में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। सिर्फ उनके सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन शुक्र ग्रह यह आपको द्वितीय भाव में चल रहा है जो कि आपको पैसे के मामले में फाइनेंशियल फ्रंट पे किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं देगा। इसके पहले अगर कोई बात किसी बात से अगर आपको कहाँ से पैसे आने हैं या फिर उसमें कुछ विलम्ब लग रहा है तो यह शुक्र ग्रह को वो पैसे भी आपको दिलवा के रहेगा। तो शुक्र ग्रह का जो भ्रमण है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होने वाला है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है यह शनि ग्रह आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और यह इसका जो भ्रमण है और यह मार्गस्थ भी है, तो इसका जो भ्रमण है आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। आपके लिए आपका जो कार्यक्षेत्र है उसके संदर्भ में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और जो राहु है ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो केतु है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। उसके साथ बुध और शुक्र की युति होने जा रहे हैं, उसका जो परिणाम होगा वो हम जो ग्रह योग होंगे उसमें इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में ग्रहों का जो भ्रमण होगा आपके राशि के लिए वो पैसे से ज़्यादा रिलेट करने वाला होगा। मतलब पैसे के मामले में कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने पड़ सकते हैं। हालांकि उतार चढ़ाव अगर देखे जाए तो काफ़ी मायने में शुक्र स्वयं की राशि में भ्रमण करने की वजह से आपको फाइनेंशियल क्राइसिस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योग होते हैं उसके संदर्भ में। ग्रह योग के जो परिणाम होते हैं वो 2-3 दिनों के लिए होते हैं, लेकिन उसके परिणाम मिलते हैं वो किस प्रकार के मिलते हैं इसके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। तो 3 तारीख को रवि और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके दशम भाव में है उसके साथ आप ही के राशि में स्थित रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। इसका जो परिणाम जो होगा वो करीबन 2, 3 और 4 तारीख को देखा जाएगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तो खुद के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद दिनांक 11 तारीख को बुध और राहु की युति होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में। इसका जो प्रभाव देखा जाएगा इस ग्रह योग का वो करीबन 10, 11 और 12 तारीख को देखा जाएगा। इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई भी बात हो तो इस दरमियान बिल्कुल भी नहीं करना, आप पूरी तरह से फंस सकते हो। कमिटमेंट करना, क्योंकि आपकी जो राशि है वो काफ़ी ट्रस्टवर्थी है, सामने वाले पर जल्दी से भरोसा कर जाती है, तो इसी वजह से इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। क्योंकि अगर आप कोई कमिटमेंट करते हो या फिर प्रॉमिसेस करते हो तो वो उसमें चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, उसके ऊपर ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार सेहत के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम उभर कर सामने आ सकते हैं, तो ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को बुध और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। इसका जो परिणाम देखा जाएगा वो करीबन 11, 12 और 13 तारीख को देखा जाएगा और ये शुभ परिणाम आपको देखे जाएगा ये जो त्रिकोण योग है। इसके सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, जो मेष राशि के व्यक्ति जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, इनके लिए ये जो 3 दिन है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इन 3 दिनों में उनको काफ़ी अच्छे तरीके से जॉब या फिर वो जो जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस प्रकार की जॉब मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है।
उसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को शुक्र और राहु की भी युति होने जा रही है। अब ये जो युति होगी आपके द्वितीय भाव में होगी और आपके शुक्र और राहु की युति का जो प्रभाव होगा वो करीबन 17, 18 और 19 तारीख को देखा जाएगा। इसमें सबसे पहली बात होगी, अगर आपको आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा और आपके जो खर्चे हैं, आपके जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। खास करके आपकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है आपकी राशि की वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, तो स्पेंडिंग के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार बुध और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। यह जो केंद्र योग है वह आपके द्वितीय भाव में और आपके लाभ भाव से होने जा रहा है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार डॉक्यूमेंटेशन के बारे में किसी भी प्रकार के कमिटमेंट इन दिनों में भी नहीं करना, हालांकि इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 22, 23 और 24 तारीख को। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून का भी केंद्र योग होने जा रहा है 27 तारीख को और इसका भी प्रभाव देखा जाएगा 26, 27 और 28 तारीख को। इस दरमियान भी दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो इन दिनों में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी हम जिसे बोलते हैं, वो होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को बुध और शुक्र की युति होने जा रही है आपके तृतीय भाव में। अब इस युति में बुध वक्री होगा और शुक्र मार्गस्थ होगा, तो इसका सबसे पहली जो बात होगी वो होगी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। अगर कोई बात है तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए और इस दरमियान, मतलब यह जो योग है इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा करीबन 28, 29 और 30 तारीख को, तो इन दरमियान आपके ट्रैवलिंग वगैरह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 11 तारीख को है और जो पूर्णिमा है वो 26 तारीख को है। अमावस और पूर्णिमा के जो दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि पृथ्वी के प्रति सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, जिसके चलते हमारी जो भावनाएँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रतम देखी जाती है। और इस भावनाओं में अगर इस हमारी जो मानसिक स्थिति होती है इसमें अगर आप किसी भी प्रकार के निर्णय लेते हो तो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इस वजह से अमावस और पूर्णिमा के दिन, मतलब इस महीने के 11 और 26 तारीख के दिन, किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। अगर वो लेते हो तो वो निर्णय चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो दोस्तों, ये था मेष राशि का मई 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।